दोस्तों, एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिसने इतिहास में हमेशा ही वैज्ञानिकों के होश उड़ा कर रखे हैं। यूं तो अगर मैं आपको बागेश्वर धाम के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डीपली समझाने पर आऊं, फिर आपके लिए ये वीडियो उस बात को समझने के लिए छोटा पड़ जाएगा। लेकिन बात करें अगर बागेश्वर धाम के चमत्कारों की, तो इनके साथ कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बागेश्वर धाम या फिर धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी पूरी कहानी क्या है? तो असल में बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक इलाका है खजुराहो, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गांव में ही स्थित हनुमान जी की सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम मंदिर में ही दरबार लगाते हैं। ये पूरा इलाका बुंदेलखंड का एक पार्ट है। अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने रामायण भगवद गीता के साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। दादाजी द्वारा दिए गए धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान को समाहित कर धीरेन्द्र शास्त्री महज 12 साल की उम्र में भगवद गीता का प्रवचन देने लगे। बालाजी के दरबार में वह साधना करने लगे। दावा है कि साधना के दौरान ही बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं, जिसके बाद से वह लोगों के मन की पीड़ा को अपने आप ही समझ जाते थे। अब दोस्तों, जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की तो कुछ हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए। जरा इन्हें भी देखिए। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अच्छा रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है, आपका परिचय का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने रिपोर्टर साहिबा को चैलेंज तो तगड़ा दे दिया था। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, दो की भी लगा देंगे। तो बहन जी, हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर, जाना पड़ेगा यहां से थोड़ी। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए और ये रख भी दिया है और ये पेन भी रख दिया। अब रिपोर्टर साहिबा चैलेंज एक्सेप्ट करके पंडाल के अंदर गई और अप्रोक्स 10 मिनट इधर उधर घूमने के बाद अपना कंटेस्टेंट शास्त्री जी के सामने पेश किया। पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गरम करवाओ हमारा। अच्छा बहन, एक बात माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं, मैं इनको नहीं जानती। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? अब यहाँ पर शास्त्री जी ने रिपोर्टर साहिबा को अपना कंटेस्टेंट बदलने का भी ऑफर दे डाला। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो, अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं नहीं, 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 नहीं। अभी तो नहीं बदलना है। नहीं नहीं, बिल्कुल बदल लो। नहीं नहीं, नहीं। बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं नहीं, नहीं। हमारी नाक बच जाए। नहीं, तो आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो अनपढ़। कहाँ से? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती?
आपसे एक बार वहाँ पे थाम पे गई थी मिलने। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। अब जरा इस क्लिप को भी देखिए। यहाँ पर शास्त्री जी ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर के बारे में भी काफी कुछ बता दिया था। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे, बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा? महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। लास्ट में शास्त्री जी ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर का कुछ हिडन सीक्रेट भी बता दिया, जिसको सुनकर उसके भी होश उड़ गए थे। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। दोस्तों, हैरानी तो तब होती है जब बड़े बड़े स्टार इनके धाम प्रवचन सुनने पहुंच जाते हैं, फिर वो चाहे आरएसएस के दिग्गज नेताओं में से एक हो और फेमस सिंगर मनोज तिवारी हो। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर शास्त्री जी से मिल चुके हैं। अब दोस्तों, मेरी मानो तो ये बागेश्वर धाम के चमत्कारों का पूरा सिनेरियो किसी साईफाई मूवी से कम नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अब ये बात तो सही है कि बागेश्वर धाम के चमत्कारों ने हमें हैरान तो किया है, लेकिन अगर कोई बंदा विज्ञान यानी कि साइंस के बच्चे से चमत्कारों की बात करेगा तो वो इतनी जल्दी इन्हें बिलीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि गाइस, पूरा यूनिवर्स कुछ लॉ से बंधा हुआ है, सिर्फ नेचर को छोड़कर ये लॉ पूरी यूनिवर्स में कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, ये सभी कल्पनाओं में अभी भी कैद है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ नेचर की कौन सी पावर काम कर रही है, ये तो हम नहीं बता सकते। और गाइस, ये भी हो सकता है कि बागेश्वर धाम की कोई डार्क साइड भी हो, या कुछ ऐसा हो जिसे हम देख ही ना पा रहे हो। पर दोस्तों, अगर मेरी मानो तो मैं आज भी चमत्कारों, जादू टोनों पे बिलीव नहीं करता। साइंस और गॉड, ये नेचर के दो पार्ट हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, पर जाते जाते हम आपको अवेयर करते हैं
कि बागेश्वर धाम में सच्चाई है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। पर बागेश्वर धाम के चक्कर में किसी रोड छाप बाबा पे विश्वास न करना, क्योंकि हमारी चैनल सिर्फ साइंस और नेचर को सपोर्ट करती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।